एक के बाद एक चीज महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में फिर इजाफा। घी और कुकिंग ऑयल 30 रुपए, बच्चों का खुश दूध 40 रुपए, शैम्पू की बोतल 20 रुपए, सर्फ 45 रुपए तक महंगा। शहरी परेशान। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों का दिन। शहदाए पुलिस को सिटी 42 का सलाम। अफसरान और जवानों को खराज अकीदत पेश। अवाम वतन अजीज में अमन इस्तेहकाम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा के मोतरफ। खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात का इनेकाद। पुलिस के चाको चबन दस्तों की शहदा को सलाम। कोई बिल मुस्तरद करना मेरी राय है, किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, अपने जमीर के मुताबिक फैसले करता हूं। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की फ्लैटीज होटल में डिजिटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जुडिशरी की ताकत सिर्फ जजेस के पास होनी चाहिए। अराकीन असेंबली को जुडिशरी की ताकत देने से मसाइल पैदा हो सकते हैं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के जो भी तहफ्फुजात हैं उन्हें दूर करेंगे। कोरोना की चौथी लहर मुजोर। 24 घंटों में 455 नए केसेस रिपोर्ट। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 5.8% तक पहुंच गई। मजीद 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाहली। सैकड़ों असातिज़ा की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल ना हो सकी। डेडलाइन के बावजूद 1800 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैक्सीनेशन ताहाल बाकी। हुकूमत ने वैक्सीनेशन कराने के लिए 15 अगस्त की डेडलाइन दे दी। सेशन कोर्ट में अदालती अहलकारों की वैक्सीनेशन का आखिरी रोज। मुलाजमीन और प्राइवेट अमले का रश। अमले को 4 बजे तक रिपोर्ट सिविल कोर्ट जमा कराने का हुक्म। सेंटर से अब तक 10,000 अफराद कोरोना वैक्सीन करा चुके। जाली दस्तावेजात के जरिए जायदाद की फरोख्त का मुकदमा। हाईकोर्ट में मुलजम की बुरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत में पेश थानेदार मुकदमे से लायल निकला। तलब करने पर आईजी पंजाब अदालत पेश। सीसीपीओ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी पेश हुए। आईजी की स्टैंडिंग ऑर्डर पर अमल दरामद करवाने की यकीन दहानी। फरीकैन के वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। शहर में डाकू राज बरकरार। जोहटाम में 3 डाकू ने शहरी को लूट लिया। गन पॉइंट पर 10 लाख लूटकर फरार। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। बैनुल सूबाई वज़रा तालीम और हेल्थ कॉन्फ्रेंस आज होगी। तालीमी इदारों में कोरोना सूरत हाल और SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में महकमा सेहत के अफसरान शिरकत करेंगे। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। जानवर बेचने आए व्यापारी से तल कलामी पर गार्ड ने फायर खोल दिया। व्यापारी मोहम्मद सलीम और राहगीर जख्मी। व्यापारी का मंडी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दिया गया। पुलिस से मुजाकरात के बाद मुजाहरी मुंतशर। परफॉर्मसा का डिस्पैरिटी अलाउंस के लिए एहतजाज। मुजाहरीन ने कैंपस पुल चारों एतराफ से बंद कर दिया। ट्रैफिक जैम, गाड़ी की लंबी कतारें लग गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मुलाजमीन का एहतजाज। सेक्रेटेरिएट और हाउस रिक्वजिशन अलाउंस बहाल करने का मुतालिबा। मुजाहरीन ने रोड ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक जैम रहा। खयाबाने फिरदोसी पर ट्रैफिक बहाली के लिए अहम मंसूबे पर काम शुरू। LDA ने 9,60,00,000 का टेंडर फाइल कर दिया। मैसर्स का कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग को फौरी काम शुरू करने का हुक्म। मंसूबे में अल्लाह गोल चक्कर, शौक चौक, ताशौकत खानम फ्लाईओवर, खयाबाने फिरदोसी शामिल। हुकूमत पंजाब का मुलाजमीन की इंश्योरेंस पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। रिटायरमेंट पर मुनाफे के साथ इंश्योरेंस मिलेगी। पहले सिर्फ वफात पाने पर ही इंश्योरेंस मिलती थी। महकमा खजाना ने समरी वजीर आला को इरसाल कर दी। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। वाल्टन एयरपोर्ट अरासी की नीलामी रोक दी गई। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का मुतासर शहरियों की अरासी की निशानदही के बगैर नीलामी न करने का हुक्म।
बरतानियों की भर्ती के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद, हाईकोर्ट ने भर्तियों का इकदाम कानून के मुताबिक दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था जो कि जारी कर दिया गया। नजीर चौहान की जमानत मंजूर, मचल के जमा होने के बाद सेशन अदालत से रिहाई का परवाना जारी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद राशिद ने रिहाई की रूप कार्ड जारी की। वजीर आजम के भांजे हसन नियाज़ी के खिलाफ लड़ाई झगड़े का केस, हसन नियाज़ी की बुरी जमानत ने 7 अगस्त तक तौसी। मुल्जम ने 1 लाख के मचल के जमा करा दिए। अट्ठासी सिविल जजेस को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई, तरक्की 10 ताला सर्विस मुकम्मल करने पर मिली। इम्तियाज अहमद, गुलाम अकबर, नासिर महमूद, इम्तियाज हुसैन, असर इकबाल, मसूर राशिक, सुल्तान टीपू, ताहिर महमूद, फहद खान सरवर और दीगर तरक्की पाने वालों में शामिल। LLB एंट्री टेस्ट के पर्चे में सवालात की तकसीम, 75 नंबरों के मारूजी 25 नंबरों का इशाया होगा। हायर एजुकेशन कमीशन ने दाखिलों के लिए टेस्ट की तफसीलात जारी कर दी। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की तैयारियां, 336 उम्मीदवारों में से 35 के कागजात नामजदगी मुस्तरद। उम्मीदवार 4 से 7 अगस्त तक सेशन अदालत में अपील दायर कर सकेंगे। यौम आजादी करीब आते ही नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा उरूज पर, सब्ज हलाली परचमों से सजी गाड़ियां तवज्जो का मरकज बनने को तैयार। मिंटगुमरी रोड पर गाड़ियां सब्ज हलाली परचमों से सजाए जाने लगी। गुलशन रावी के आगा मुजम्मिल की गाड़ी की डेकोरेशन सबको भाने लगी। आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली, आज फिर मूसलाधार बारिश होगी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, महकमा मौसमियात ने आगाह कर दिया। उमर अकमल का बहाली प्रोग्राम शुरू, PCB ने क्रिकेटर को क्लब क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी। उमर अकमल ने एंटी करप्शन लेक्चर्स में शिरकत की, सवालात के जवाब दिए। उमर अकमल इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के अहल होंगे। और पाकिस्तान को टोक्यो ओलंपिक्स में बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम जूलन थ्रो के फाइनल में पहुंच गए। अरशद नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में 85.16 मीटर थ्रो करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल 7 अगस्त को होगा।